एनसीपी सुप्रीमो और वरिष्ठ नेता शरद पवार के घर पर षड्यंत्रकारी कायराना हमले के विरोध में स्थानीय जनता कॉलेज चौक पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर एनसीपी नेता और ओबीसी नेता डॉक्टर अशोक जिवतोड़े के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भाग लिया। विलय की मांग को लेकर एसटी कर्मचारी आक्रामक रहे हैं। मुंबई के सिल्वर ओक स्थित एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के आवास पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने धावा बोल दिया और उनके घर पर पत्थर फेंके। हाईकोर्ट ने एसटी कर्मचारियों को 22 अप्रैल तक सेवा पर लौटने का निर्देश दिया था। साथ ही एसटी निगम को निर्देश दिया गया कि वह पेंशन और ग्रेजुएटी के भुगतान सहित कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे, लेकिन फिर भी एसटी कर्मचारी आक्रामक हो गए। सैकड़ों एसटी कार्यकर्ताओं ने शरद पवार के मुंबई आवास पर धावा बोल दिया और नारेबाजी की। यह अदालत की अवमानना और वरिष्ठ नेता शरद पवार के खिलाफ साजिश है। उन्होंने कहा कि देश के एक वरिष्ठ नेता के घर पर इस तरह का कायराना हमला, जो सार्वजनिक सेवा के लिए प्रयास कर रहे थे, प्रगतिशील और समाज सुधारकों की विरासत में लिए राज्य में एक अशोभनीय घटना थी। शरद पवार साहेबांच्या मुंबई येथील सिल्वर ओक बंगल्यावर जो षड्यंत्रकारी आंदोलनाच्या माध्यमातून षड्यंत्रकारी प्रवृत्तींनी जो भ्याड हल्ला केला, त्याचा निषेध म्हणून आज या चंद्रपूरच्या शहरामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे आम्ही त्याचा जाहीर निषेध करीत आहोत। चंद्रपुर से BCN न्यूज के लिए प्रवीण बत्की की रिपोर्ट।